गाइस वेलकम बैक टू आवर चैनल अर्न ट्यूशन। तो फ्रेंड ये हमारी डिस्काउंट की है सेकंड वीडियो। इससे पहली वीडियो चैनल पर आ चुकी है, दैट इज़ द बेसिक ऑफ डिस्काउंट। बहुत ही बेसिक चीज़ें उसमें सिखाई गई हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइप के क्वेश्चन से पहले समझने के लिए। तो दोस्तों अगर आपने वो वीडियो अभी तक मेरी नहीं देखी है तो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। फ्रेंड्स अब बात करते हैं कि आप डिस्काउंट को बहुत ही ईजी वे में बहुत ही छोटी सी ट्रिक से कैसे समझ सकते हैं, और एक तरीके से कहा जाए तो चुटकियों में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले हम देखते हैं क्वेश्चन देखते हैं एंड आपको दिखाती हूँ मैं कि आप उस क्वेश्चन को किस किस तरीके से आप उसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सबसे पहले क्या देख लेते हैं हम इसके लिए क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन का है यहाँ पे द मार्क प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज 1100, ठीक है। यानी बाइसिकल पर मार्क प्राइस कितना पड़ा है 1100। मैंने जैसे कि आपको बताया था मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में क्या डिफरेंस होता है वो मेरे लास्ट वीडियो में है, तो पहले आप उसे जाके देख लीजिए। द मार्क प्राइस ऑफ अ बाइसिकल इज 1100, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। कि किसी भी साइकिल का क्या है प्राइस है जो मार्क प्राइस में लिखा हुआ है। जैसे आप लोग शॉप पे गए, किसी भी शॉप पे गए, ठीक है, आपने बाइसिकल देखी, अगर बाइसिकल पे कहीं पे लिखा हुआ है उसका प्राइस, जैसे मॉल्स वगैरह में होता है ना कि आर्टिकल के साथ उसका प्राइस रहता है, किसी भी चीज़ के साथ उसका प्राइस पहले से ही रहता है, ठीक है, तो आप उसे देख के समझ जाते हो कि मार्क प्राइस कितना है। बट आपको सेलिंग प्राइस जो होता है वो थोड़ा बहुत सेल के साथ कुछ डिस्काउंट के साथ मिल जाता है कम पे। तो ऐसे ही आपने साइकिल देखी, साइकिल थी 1100 रुपये की, अब शॉपकीपर ने क्या किया, दुकानदार ने एक डिस्काउंट दिया 10% का, उस पर क्या बोला एक डिस्काउंट है, छूट है आपको 10% की, और उसको क्या हुआ एंड गेट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। 10% की छूट देने के बाद भी उसको 10% का फायदा हो गया, ठीक है, प्रॉफिट मतलब लाभ हो गया उसको। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द बाइसिकल, तो बताओ कॉस्ट प्राइस बाइसिकल की क्या है, यानी कि इसकी कॉस्ट प्राइस कितनी है, कितने में ये साइकिल एक्चुअली आई है, ठीक। तो सबसे पहले तो मैं आपको ना पहले बताती हूँ कि आप इसको सॉल्व कैसे करते, और मैं उसके बाद बताऊँगी आप इसको चुटकियों में सॉल्व कैसे कर दोगे। अभी हमसे पूछा हुआ है कॉस्ट प्राइस बाइसिकल की क्या है, तो हमें पता है कॉस्ट प्राइस जो चीज़ हमसे पूछी जाती है हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। मैं ज़्यादा ओपनली नहीं लिखूंगी, मतलब कॉस्ट प्राइस ऐसे नहीं लिखूंगी, लेट सीपीवी एक्स हमने ले लिया, ठीक है। तो आपका सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा आपका, अगर आपने ये ले लिया तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया आपका कितना सेल करके कितना प्रॉफिट हुआ है, 110% का प्रॉफिट हुआ है। तो ये हो गया 100 का 10% 110% का प्रॉफिट, ठीक है, 110x अपॉन 100% है ना, 0 से 0 कटा 11 अपॉन 10x, तो CP क्या हो गया x CP पे, SP आपका कितना हो गया 111 अपॉन 10x कटने के बाद, ठीक है। और आपको क्या गिवन है, MP आपको गिवन है कितना, ₹1100 गिवन है MP। तो आपका जो अब SP हो जाएगा, उस समय तो SP ये था, नाउ जो आपका SP हो जाएगा, ठीक है, क्या होगा 1100 into 90, ठीक है, क्या दिया उसने 90% का डिस्काउंट दिया है ना 1100 मार्क प्राइस पर, तो कितना हो जाएगा आपका 990। अब क्वेश्चन के हिसाब से आपके पास क्या है फ्रेंड्स, क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है आपका कि जो पहला वाला ये है किसके बराबर है, जब इसका क्या है 10% का प्रॉफिट हुआ है क्या करके 10% की डिस्काउंट देने के बाद, तो क्या कर लेंगे हम इसको इसके बराबर कर देंगे। अब हम क्या करेंगे x की यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, तो x की वैल्यू क्या आएगी, x इधर ही रहेगा 990 इंटू 10 अपॉन 11 9 जा 90, और ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा 900। अब जिन बच्चों को ऐसे समझ में आया वो ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, कैसे समझ कर सकते हैं कि सी पी आपसे पूछा, सी पी को x मान लो, एस पी निकालो कि कितना प्रॉफिट हुआ उस पर, फिर जो मार्क प्राइस दिया है उस पर डिस्काउंट के साथ बताओ कि कितना डिस्काउंट के साथ हुआ, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, क्योंकि अगर आपको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो इससे पहले आपको लास्ट वीडियो देखनी पड़ेगी जो मैं कि बार बार बोल रही हूँ। उसके बाद दोनों को आप इक्वल कर दोगे और यहाँ से एक्स की वैल्यू निकाल दोगे, तो कई बच्चों को समझ में नहीं भी आया होगा, इसीलिए आपके पास मैं लेकर आई हूँ एक छोटी सी ट्रिक जो कि आप सॉल्व कर सकते हो ईजिली, बहुत ईजिली, ठीक है। जब भी आपसे कोई भी क्वेश्चन आए कि प्रॉफिट दुकानदार का कुछ प्रॉफिट हुआ है या कुछ प्रॉफिट चाहता है या जो भी है, ठीक है, कुछ डिस्काउंट देने के बाद, ठीक, कोई भी प्रॉफिट चाहता है वो कुछ डिस्काउंट देने के बाद और कुछ एमपी दिया गया है आपका, ठीक है, तो आप कैसे निकालोगे, मतलब एमपी दिया गया तो आप सीपी कैसे निकालोगे। लाइक आपको उसने बोला कि वो आर परसेंट क्या चाहता है, आर परसेंट क्या है, उसने क्या दिया है प्रॉफिट,
ठीक है, एंड 8% दिया उसने डिस्काउंट और एमपी आपको गिवन है। ठीक, ये तीन चीज आपके पास गिवन है। इसी से मैं देखो एक फॉर्मूला आपको एक और बताऊंगी। तो आप सीपी कैसे निकाल सकते हो? सीपी तो आप निकाल सकते हो कैसे, एमपी 100 माइनस आर अपॉन 100 प्लस आर। ठीक है दोस्तों, कैसे? एमपी 100 माइनस आर अपॉन 100 प्लस आर, एंड उसके बाद ये तो हो गया आपका सीपी निकालने का फॉर्मूला। अब आपसे सीपी दे दिया जाए और एमपी पूछा जाए, तो आप एमपी कैसे निकालोगे? सीपी 100 प्लस आर और 100 माइनस आर उल्टा कर दोगे इसका। ठीक है, चलो जल्दी से इसमें एक बार पुट करते हैं, स्पेस बहुत कम है बट फिर भी कर लेते हैं। एमपी कितना है? 1100। ठीक है, आपका डिस्काउंट कितना है? 10%। प्रॉफिट भी आपका 10%। ठीक है, तो ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। डिस्काउंट 10%, प्रॉफिट भी 10%। सॉल्व आउट करेंगे, 1100 × 90 अपॉन 110, है ना? ये तो होगा हाँ 1100। तो ये हो गया 10 और 900। तो आपका कितने छोटे से तरीके से आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो दोस्तों देखा आपने, छोटी सी ट्रिक के साथ मैं आपको हाईलाइटेड भी कर देती हूँ इसको, ताकि आप इसको कहीं नोट डाउन कर दें। कभी भी क्या ऐसी कंडीशन आए जहाँ पे शॉपकीपर कुछ डिस्काउंट दे के कुछ प्रॉफिट भी चाह रहा हो, तो वहाँ पे ये दिया जाएगा। अगर एमपी दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला, और सीपी दिया जाए तो ये वाला फॉर्मूला। ठीक है, वाइस वर्सा है। ओके, चलो फ्रेंड्स एक क्वेश्चन मैं और देती हूँ आपको करने के लिए। आप इसको कैसे करोगे? अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10%। देखो मैं एक ही तरीके के क्वेश्चन कि किस किस टाइप के तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं, डिस्काउंट में ज़्यादा पढ़ने के लिए कुछ नहीं है। वही है कि शॉपकीपर अगर ऐसा डिस्काउंट दे तो कैसा होगा, मतलब एक ही तरीके के क्वेश्चन कि शॉपकीपर अगर कोई डिस्काउंट कैसे दे रहा है, क्या चाहता है, क्या, इसी तरीके की मैं आपको दो तीन टाइप आज बताऊंगी। ठीक है, आज क्या बताऊंगी, यहाँ पे आपका एक डिस्काउंट चैप्टर खत्म हो जाएगा आज, बहुत लंबा चैप्टर नहीं है। ठीक है, तो एक ही टाइप के मतलब एक क्वेश्चन आपको सेम से लगेंगे बट टाइप्स बहुत डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, अ शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ कैलकुलेटर। ठीक है, क्या हुआ, कैलकुलेटर का जो मार्क प्राइस है उस पर उसने क्या किया, 10% की छूट दे रहा है वो। ठीक है, दे बाय व्हाट परसेंट हायर देन कॉस्ट प्राइस। ठीक है, इसका मतलब क्या कह रहा है, ये देन है। ठीक है, देन बाय व्हाट परसेंट हायर देन कॉस्ट प्राइस शुड मार्क द प्राइस सो एज टू गेन 20% ऑन सेलिंग इट एट द डिस्काउंट। अब ये क्या कह रहा है कि इसने क्या किया है, कैलकुलेटर का जो मार्क प्राइस लिखा हुआ है उस पर उसने 10% की छूट दी उस पर, तो उसे कितना ज़्यादा हायर कर देना चाहिए कॉस्ट प्राइस से, ताकि वो 20% आपका क्या कमा सके, प्रॉफिट कमा सके डिस्काउंट पर बेचने के बाद भी। यानी कि उसने 10% डिस्काउंट पर तो बेचा है उसको, ठीक है, उस पर 10% डिस्काउंट दिया है, छूट दिया है, लेकिन वो ये कह रहा है कि उसको मार्क प्राइस अपना कितना बढ़ा लेना चाहिए कॉस्ट प्राइस से। ठीक है, जो उसकी कॉस्ट प्राइस है उससे कितना ज़्यादा मार्क प्राइस बढ़ा लेना चाहिए, ताकि वो 20% इस पर प्रॉफिट कमा सके। ठीक है, तो चलो उसको सॉल्व करते हैं। ठीक, अब फ्रेंड्स थोड़ा सा लॉन्ग वे में करोगे तो जैसा कि मैंने बोला कि इसको इसने क्या पूछा है, यहाँ पे एक तरीके से पूछा है कि कितना इसको बढ़ा देना चाहिए, कितना परसेंट इसको बढ़ा देना चाहिए। ठीक है, तो आप अगर निकालो थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में, तो मेरी बात थोड़ा सा ध्यान से सुनना कि मैं बोल क्या रही हूँ। ठीक है, आप क्या करोगे, कॉस्ट प्राइस ले लोगे, लेट बोलोगे, क्योंकि यहाँ पे आपको किसी ने दिया नहीं है, कोई प्राइस नहीं गिवन है, या परसेंट में बात हुई है, प्रॉफिट परसेंट में, डिस्काउंट परसेंट में। तो आपने मान लिया 100 रुपये मान लिया हम, क्योंकि 100 से लेकर स्टार्ट करते हैं, कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, 20% इस पर कमा सके, ऐसा कुछ कॉस्ट प्राइस मतलब बताओ, मार्क प्राइस बताओ जिसमें 20%। तो कॉस्ट प्राइस का क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 120%। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 120/100 × 100 हो जाएगा, सेलिंग प्राइस इंटू कॉस्ट प्राइस अपॉन 100। फिर सेलिंग प्राइस क्या बोल रहा है, वो 10% उसका कम हुआ है मार्क प्राइस से, क्योंकि उसने 10% की क्या दी है, छूट दी है। तो फ्रेंड्स अगर मैं ऐसे बताऊँ आपको तो बहुत ही लंबा मेथड चला जाएगा, तो देखते हैं कि बहुत ही ईजी वे में आप इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, आप ध्यान से सुनिए, अगर कोई भी कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है जहाँ पर कोई मार्क प्राइस उसने ऐसा फिक्स किया हुआ है, किसने, दुकानदार ने या ट्रेडर ने, जिसमें वो कुछ परसेंट का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, लेट आ परसेंट का वो डिस्काउंट अलाउ कर रहा है। ठीक है, और वो प्रॉफिट कितना कमा रहा है, प्रॉफिट आर परसेंट कमा रहा है, बड़ा आर, कैपिटल आर। ठीक है, क्या कमा रहा है, ये
प्रॉफिट कमाना चाह रहा है या कमा रहा है जो भी है, तो आपसे पूछा जाएगा कि वो मार्क प्राइस कितना सेट करे। तो उस केस में आपका फॉर्मूला ये बनेगा, ठीक है, कितना ज़्यादा सेट करे, ये उस फॉर्मूले के लिए कितना ज़्यादा सेट करे, आर यानी डिस्काउंट प्लस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 माइनस डिस्काउंट और मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं था, बहुत ज़्यादा हार्ड फॉर्मूला नहीं है। अगेन मैं इसको हाईलाइट कर रही हूँ ताकि आप इसको क्या कर सको, अपनी कॉपी में नोट डाउन कर सको। ओके, थोड़ा सा मैं अजीब तरीके से चला रही हूँ उसको, लेकिन इट्स ओके, अभी समझाना है, टाइम ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करनी है। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है, आर परसेंट क्या है आपका डिस्काउंट 10% का गिवन है, प्रॉफिट वो कितना चाहता है, बड़ा आर कितना गिवन है 20% गिवन है, और एम पी आपसे पूछ रहा है कितना ज़्यादा मैं करूँ उसका, मतलब शॉपकीपर करे, तो आर तो हो गया आपका 10, बड़ा आर हो गया 20 डिवाइडेड बाय 100 माइनस अगेन 10 इंटू 100, तो 10 और 30 90 इंटू 100, ठीक है, 33 जा 90, तो ये कितना हो गया 100/3। अगर आप 100/3 को आप डिवाइड करो, 33 जा 9 33.3% समथिंग ये आएगा। ठीक है, और अगर आप इसे ऐसे ना लिखें तो ये या तो आप 33.3% लिख लें, या फिर आप इसको लिख सकते हैं 33 1/3%, जिस हिसाब से भी आपसे क्वेश्चन में पूछा जाएगा, ऑप्शंस दिए जाएंगे, उस हिसाब से आप इसको टिक कर दोगे। तो देखो कितना इजी सवाल था, और सवाल ऐसे फ्रेंड्स बनते ही बनते हैं कि वो कितना चाह रहा है, कितना ज़्यादा चाह रहा है, तो बहुत ही, देखो एक ये हो गया, एक पीछे कि जहाँ पे उसने ऐसे ऐसे बोला था कि ऐसे करना है, उसने इतना प्रॉफिट कमाया, ये मार्क प्राइस है, तो ऐसे कैसे होगा। तो दो टाइप के क्वेश्चन तो आपको देखो तुरंत और बहुत ही ईजी वे में सॉल्व हो गए। एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको और देती हूँ, और देखते हैं कि आप उसको पढ़ के समझ पाते हो या नहीं, क्योंकि उसके बाद तो मैं उसको सॉल्व कर ही दूंगी। ओके, तो फ्रेंड्स, अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस 10% मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस। अब यहाँ पे देखो क्या कर लिया उसने, प्राइस को भी जो उसकी एम पी है वो 10% ज़्यादा लिख लिया कॉस्ट प्राइस से। इफ ही अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 20% देन फिक्स्ड हिज लॉस परसेंट, ठीक है, देन फाइंड हिज लॉस परसेंट। अगर मान लो शॉपकीपर ने कोई मार्क प्राइस पहले ही बढ़ा के 10% लिख लिया उसकी कॉस्ट प्राइस से, और उसने डिस्काउंट कितना परसेंट दिया, 20% का दिया, तो बताओ उसको कितना लॉस हुआ, यानी उसका लॉस परसेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखते हैं कि ऐसे टाइप के फॉर्मूले कैसे सॉल्व करते हो आप। जब भी आपसे कभी भी पूछा जाए कि शॉपकीपर कुछ डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, ठीक है, कुछ भी परसेंट का डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, लाइक वही आर परसेंट का, क्योंकि एक ही तरीके से चलेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले बहुत ईजिली याद होंगे, ठीक है, आर 1% का, ठीक, ओके, क्या हो रहा है, आर 1% का क्या कर रहा है, ये डिस्काउंट अलाउ कर रहा है, एंड मार्क प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज आर, ये तो हो गया आपका डिस्काउंट, ठीक है, और जो एम मार्क प्राइस पर उसने कर रहा है, मार्क्स प्राइस पर परसेंट दे रहा है, वो कितना कर रहा है, आर परसेंट, ठीक है, कितना कॉस्ट प्राइस है जो बढ़ा के दे रहा है, तो आपका क्या निकलेगा, लॉस परसेंट आप इसे कैसे निकालोगे, तो कैसे निकालोगे, आर 100 माइनस आर 1 अपॉन 100 माइनस आर 1, ठीक है, थोड़ा सा लंबा सा फॉर्मूला है फ्रेंड्स, बट इट्स ओके, आई नो आप कर पाओगे, ठीक है, क्या कर पाओगे, आप कर पाओगे। तो ये है आपका एक नेक्स्ट फॉर्मूला, ठीक है, क्या है, जब भी आपसे कुछ पूछा जाए कि उसने मार्क प्राइस इतना बढ़ा के लिख दिया और वो इतना डिस्काउंट देना चाह दिया उसने, तो बताओ उसको कितना लॉस परसेंट कितना निकलेगा उसका, तो उसके लिए आपके लिए फॉर्मूला क्या है, ये, ठीक है, इसमें ये क्या है आपका मार्क प्राइस है और ये क्या है आपका डिस्काउंट है, ठीक है, डिस्काउंट परसेंट है, तो हमने क्या करना है, आर आपको गिवन है यानी एम पी आपको गिवन है, कितना कितना एम पी परसेंट कितना गिवन है, 10% ज़्यादा लिखा है, और आर 1 आपको गिवन है कि 20% की उसने छूट दी है, तो आर यानी 10 100 माइनस 20 अपॉन 100 माइनस 20, है ना, 10 इंटू 80 अपॉन 100, ठीक, माइनस 20, तो 800 माइनस 100 20, 10 8 जा 800, 80 माइनस 20 यानी 12% किसका आया, माइनस का, तो जैसा कि आपको पता ही है कि माइनस साइन क्या कर रहा है, लॉस बता रहा है, अगर इस पे प्लस होता तो ये क्या हो जाता, प्रॉफिट हो जाता, तो उसने पहले ही बोला था कि लॉस परसेंट कितना होगा, तो कितना होगा, माइनस 12%, ठीक है। तो शॉपकीपर से रिलेटेड 3 क्वेश्चंस आपके हो गए, कैसे कैसे ये क्वेश्चंस आते हैं, क्या क्या इनके फॉर्मूलेज होते हैं। एक दो चीज़ मैं आपको और चीज़ इसमें बताना चाहती हूँ ताकि आपका कुछ भी ना छूटे, ठीक है, वो चीज़ें क्या हैं फ्रेंड्स, कभी कभी बता दिया, कभी कभी आपके पास क्वेश्चन आता है कि एक शॉपकीपर ने आपको एक किसी भी चीज़ पर मान लीजिए 10% का डिस्काउंट दिया,
फिर जब वो कम हो गए जो भी मतलब डिस्काउंट के बाद, फिर उसके बाद 5% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया। तो ऐसे करके जब सक्सेसिव डिस्काउंट होते हैं तो वो क्वेश्चन तो बन गया सक्सेसिव डिस्काउंट का, लेकिन उसमें एक चीज़ ऐड होना हो जाती है कि अगर वो इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो, एक बार में डिस्काउंट दिया जाए तो वो कैसे निकलेगा, मैं उसको आपको एक फॉर्मूला बता देती हूँ, ठीक है। जैसा कि फ्रेंड्स यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, व्हाट विल बी अ सिंगल इक्विवेलेंट डिस्काउंट फॉर सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 10% 5% ऑन एमपी ऑफ एन आर्टिकल, यानी कि क्या इक्विवेलेंट डिस्काउंट होगा किसी भी आर्टिकल पर अगर उसके एमपी पर पहले 10% दिया जाता है फिर 5% दिया जाता है। ये तो सक्सेसिव डिस्काउंट हो गए। अगर हम एक बारी देने की बात करें कि एक बारी में कितना दिया गया, उसको कैसे सॉल्व करोगे, ठीक है। एक बारी में जितना दिया गया तो उसके लिए आपका फॉर्मूला है, लाइक ये आप R1 मान लीजिए या R2 मान लीजिए, तो आपका फॉर्मूला है R1 + R2 - R1 × R2 / 100%, ठीक है। अब वहीं अगर आपसे बात कर ली जाए, तीन दिए, लाइक R3 भी दिया होता, तीन सक्सेसिव डिस्काउंट होते, तो उसके लिए थोड़ा सा बड़ा फॉर्मूला है बट इतना कोई मुश्किल नहीं है। 1 - 1 R1 / 100, 1 - 2 R2 / 100, 1 - R3 / 100 × 100, ठीक है। तो ये आपका है तीन के केस में, जब आपका तीन का केस होता है, ठीक है। ये है दो के केस में, तो दो के केस में हमारे पास दिया है 10 और R2 दिया है 5, तो हम कैसे सॉल्व करेंगे, 10 + 5 - 10 × 5 / 100, 5 × 2 = 100, ये कितना आ गया 50 - 1/2, ठीक है, यही तो आ गया, नहीं 15 × 30 - 1/2, 29/2% का क्या होगा आपका इक्विवेलेंट डिस्काउंट इसने दिया है, ठीक है। इसी टाइप के आपके क्वेश्चन इस तरीके के भी आ जाएंगे, जो कि मैं आपको लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो वहाँ पे देखना आप, हर तरीके के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे और सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। तो आपका डिस्काउंट यहाँ पे ओवर हो गया, इससे ज़्यादा डिस्काउंट में नहीं पूछा जाता है, ठीक है, इसीलिए मैंने ज़्यादा कोई लंबी वीडियो नहीं रखी है। नेक्स्ट टॉपिक जो भी आप चाहते हो आप प्लीज़ उसको कमेंट डाउन कर देना, कौन सा नेक्स्ट टॉपिक मैं पढ़ाऊँ, ऑलमोस्ट अर्थमेटिक ओवर ही होने वाली है। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ठीक है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। जनरल अवेयरनेस अगर आप कर रहे हो तो उसका लिंक भी मैं नीचे डाल दूंगी, और करंट अफेयर्स कर रहे हो तो उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं डाल दूंगी। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, चैनल पर अभी नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, बेल बटन प्रेस कर दो ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो लेकर आऊँ आपके पास उसकी नोटिफिकेशन तुरंत आ जाए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।